hello friends students and my dear teachers uh, happy valentine's day to you all as you all know we are celebrating our 20 years anniversary uh, so in that uh, let me begin uh, you know sharing my uh, journey with you uh, of these 20 years uh, i was introduced to this program by my friend uh, kamalini rajendran हम दोनों आ, ट्रेन में एक साथ ट्रैवल करते थे और आ, सेम ट्रेन पकड़ते थे और लौटते वक्त भी वही होता था तो इट वाज एक एक फैमिली जैसा सो so, जब उन्होंने उनका वॉल्ट्री रिटायरमेंट लिया और एस आई पी किया उन्होंने उस वक्त आ, एक तीन या चार महीने के बाद उन्होंने मुझे भी इस प्रोग्राम से उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए अच्छा है एंड आई वॉज़ लाइक ओके ठीक है चलो uh, काम के अलावा भी कुछ मनी जो है वो बैंक में आ जाएगा सम एक्स्ट्रा इनकम दैट यू कैन अर्न ऑन वीकेंड्स एंड दिस वॉज इनिशली अ प्रोग्राम वेच यूज़ टू हैपन ओनली ऑन वीकेंड्स एंड जब मैंने uh, उनसे मिली उनका सेंटर पर मैं जब विजिट की और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इमिजिएटली हमने uh, ये स्टार्ट किया और सिंस आई वॉज इन टू एडवरटाइजिंग तो uh, हमारे लिए बहुत आसान था राइटप्स uh, पब्लिश uh, करना तो मेरा पहला जो राइटअप था वो मिड डे न्यूज़पेपर में आया था जो सैटरडे के दिन था और सुबह से जो फोन रिंग हो रहा था रिंग हो रहा था टूवर्ड्स दी एंड इट वाज ऑलमोस्ट आई हैड एटी टू हंड्रेड कॉल्स एंड वेरी सून वी स्टार्ट द बैचेस एंड एक दो महीने का लेगवर्क करने में स्कूल्स uh, विजिट करने में वगैरह बहुत सारा टाइम गया एंड अप्रैल 2004 में हमारे जो एरिया मैनेजर थे उन्होंने कहा कि चलो हम चलते हैं खारगर तो हमने तो खारगर का नाम भी नहीं सुना हुआ था जोग्राफी में वो कहाँ है वो भी नहीं पता था इतना पता था पनवेल करके कोई एरिया है एंड वी केम टू खारगर बाल भारती स्कूल में हमने अप्रैल मंथ में डेमो किया और जून में हमने उसके क्लासेस स्टार्ट किए तो एवरी संडे हम जून में आते जून से स्टार्ट किए एक फर्स्ट लेवल ही बेरली कुछ कंप्लीट कर पाए थे कि कुछ ड्यू टू सम वी कुड नॉट कंटिन्यू द इन स्कूल तो उन्हीं में से एक पेरेंट थे सुप्रिया सावंत उन्होंने अपना प्ले ग्रुप हमें कहा कि आप उसे यूज कर सकते हो बिकॉज संडे हम उसको यू नो बंद ही रहता है कुछ भी नहीं करते हम वहाँ पर तो आप वहाँ आ जाइए सो दैट इज हाउ वी मूव टू खारगर एंड सेक्टर ट्वेंटी वन में हमने अपने क्लासेस लेने स्टार्ट किए धीरे धीरे बैचेस बढ़ने लगे और संडे पूरा दिन हमारा वहीं पे जाने लगा और ग्रेजुअली पेरेंट्स की इंक्वायरी आने लगे कि आप सैटरडेज क्यों क्लास नहीं कंडक्ट करते हो तो सैटरडेज कंडक्ट करने के लिए उनकी प्लेस हमें अवेलेबल नहीं थी एंड देट इज हाउ फिर हम मूव किए सेक्टर ट्वेंटी वन में जहाँ हमने एक टू बी का फ्लैट रेंट किया तो जब सैटरडे और संडे हम यहाँ आ रहे थे धीरे धीरे खारगर भी बहुत ग्रो हो रहा था बहुत अच्छे स्कूल हैं यहाँ पर और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत था बिकॉज इट वॉज अ कॉस्मोपोलिटन क्राउड कि एक कम्युनिटी uh, के लोग वहाँ नहीं है बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट जगहों से यहाँ पर आके सेटल होते हैं तो एक डिफरेंट uh, माहौल था एंड दैट इज हाउ फिर हमने वीक डे बैचेस भी स्टार्ट किए तो एक लगभग हम टेन इयर्स सेक्टर ट्वेंटी वन में थे एक टू बी एच के फ्लैट uh, में हम प्रोग्राम रन करते थे जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे वी हैड वी वीकेंड बैचेस भी थे और वीक डे के बैचेस थे फिर वहाँ से हमें मूव इसलिए होना पड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स की न्यूसेंस पेरेंट्स की न्यूसेंस वो बिल्डिंग वाले uh, नहीं यू नो अप्रूव करते थे दे वुड स्टॉप माय पेरेंट्स फ्रॉम कमिंग इनटू टू दी बिल्डिंग प्रमाइसिस यूजिंग दे लिफ्ट एंड ऑल दैट इज हाउन प्लेस वेर वी आर रनिंग अन्टर इट्स प्योर रो हाउस वेयर द होल प्रमाइसिसल और कहीं किसी का इंटरफरेंस नहीं रहता है हम जितनी आवाज़ करना चाहें उतनी आवाज़ हम कर सकते हैं And uh, this has been like 10 years that we are here. In the meanwhile, Jabham I was or between Khargarh and Centre, it so happened that uh, there was a franchisee who was uh, uh, you know, leaving the centre uh, of science uh, in 2007. So that is how I took over the science centre also, which we used to run it in a school. it used to uh, be every Saturday we used to have the program there also वहाँ पे भी हमने लगभग एक 15 years तक वहाँ run किया covid के दौरान हमें वहाँ पर uh, थोड़ा सा uh, problem हुआ because जो वहाँ के parents हैं वो कुंभारवाड़ा uh, धारावी uh, uh, you know police camp माटुंगा railway जो colony है वहाँ के parents आते थे and

तो उस वक्त इट यूज टू टेक मी रफली अबाउट टू एंड हाफ आवर्स टू रीच होम विच वॉज लाइक यू नो तो आई यूज टू फील दैट आई एम किलिंग माई टाइम और बहुत ही अनप्रोडक्टिव है जस्ट वेटिंग फॉर यू नो टाइम टू गो एंड दैट इज हाउ वन डे आई जस्ट गेव एन अल्टीमेटम टू माई फैमिली कि आप लोग मेरे साथ मूव हो रहे हो तो ठीक है अगर नहीं हो रहे हो तो आई एम गोइंग टू स्टे ऑन माई ओन एंड Then my family members also thought कि ये इतने सालों से तो कर रही थी अब अगर बोल रही है तो सच में कुछ हुआ रहेगा या सच में इतनी डिफिकल्टीज फेस कर रही है सो इनगर लाइक आई डेंट वॉन्ट टू बी देर सो दैट इज हाउ टू सेव समिटेंस बिटवीन आर हाउस एंड वर्क प्लेस So, जहाँ मुझे 45 मिनट्स लगते थे uh, ट्रेवल करने के लिए आज मुझे एक सेवन मिनट्स लगते हैं वहाँ से यहाँ आने के लिए सो इज लाइक यू नो वी स्पेंड मोर टाइम मोर फैमिली टाइम टुगेदर एंड आई कुड डिवोट मोर टाइम टू वर्क ऑल्सो एंड टू दी इंस्टीट्यूट ऑल्सो सो इट्स बीन लाइक नाउ टेन ईयर्स ट्वेल्व ईयर्स लाइक यू नो वी आर हेअर इन खारगर एंड द वे वी हैव फ्लारस्ट इज लाइक गोइंग बाई द नंबर ऑफ Students itself, we have plenty of uh, batches, uh, and there are so many teachers. All the teachers, they have a you know, uh, the kind of bond that we share is uh, completely different. And talking about students, uh, it really feels uh, proud when uh, children.

You know, DMart, me, challenge. You'll have find one student or the other, and just you know, slipping down and you know, touching your feet. So that's really very touchy. I would surely mention a couple of students in here. I had this student by the name of Dhruva Agarwal, and he just happened to come and meet me last uh, last week itself. And his parents shared that. टेंथ uh, में उसके इतने अच्छे मार्क्स आए कि उसने एलिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग इंस्टीट्यूट से उसने पास आउट किया उसका बहुत ही अच्छे मार्क्स आए और उन्होंने कुछ एक uh, अलग से बैच होता है जिसे वो लोग कोहिनूर बैच कहते हैं जिसको वो लोग रेसिडेंशियल कोचिंग देते हैं सो ही वॉज चोजन एंड दैट इज रियली वेरी फॉर्चुनेट मतलब ऐसे सभी को uh, मौका नहीं मिलता ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ एंड उसने uh, लगभग अभी दो साल हो रहे हैं उनके पेरेंट्स ने अभी तक कोई भी कोई भी अमाउंट नहीं स्पेंड किया है उसके कोचिंग के ऊपर ही डूइंग और इंजीनियरिंग और आईआईटी जेई का मेंस uh, का एग्जाम्स उसने दिए हैं सिर्फ एग्जाम फीस पे किए हैं और वो बोल रहे हैं कि मैम ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ यू नो एस आई पी दैट हैज ग्रूम हिम and he totally uh, agrees with his parent he says ki the kind of discipline which was set at that young age really helped him crack all his exams then there was one more student by the name of aditya prasad he came and uh, met me when uh, you know the covid was on he saw that the institute is open our institute tabi open katiri jab parents go books hand over सो ही वॉज लाइक यू नो मैम जस्ट गिविन माई ट्वेल्थ एंड जस्ट वेटिंग फॉर दी रिजल्ट एंड आई एम श्योर आई गेट इन टू आई आई टी मुंबई एंड यू ऑल नो आई आई टी मुंबई में एडमिशन मिलना कितना कितना डिफिकल्ट होता है बट ही सिक्योर्ड इज रैंक ही इज करेंटली डूइंग इज थर्ड ईयर एंड उसने इतनी बारीकी से एक एक जो यू नो बेनिफिट समझाए नो यू कुेट कि मैम आपने जो Uh, हमें कॉम्पिटिशंस के दौरान किस तरह से यू नो पेपर को सॉल्व करना है क्या चीज पहले करनी है लाइक ही इज बिकॉज़ ही कंप्लीटेड हिज GMC ही अटेंडेड द रीजनल कंपटीशन द नेशनल कंपटीशन एंड इवन द सेंटर कॉम्पिटिशंस सो ही सेड कि किस तरह से आप बोलते थे कि इसको पहले सॉल्व कर लो इसको बाद में करना सो so वो हेल्प किया कि जो इजी है उसको पहले क्रैक करो उसको पहले इस तरह से करो सो so, वो डिसीजन यू नो ये पहले सॉल्व करना है वो स्ट्रैटेजी एंड आपने जो डिसिप्लिन मेंटेन करवाया था कि यही वक्त पे एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने आपका होमवर्क करना है सो so, वो बिल्ट हुआ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड जब कॉम्पिटिशन्स होते थे सेंटर कॉम्पिटिशन लेवल इट यूज टू बी इन फ्यू हंड्रेड्स द रीजनल कॉम्पिटिशन यूज टू बी इन यू नो स्टूडेंट्स, so जो समझ में में आया, वो रिलेट कर कर पाए जब हम कर रहे थे कि वहां तो लाखों कहा एक मार्क के लिए हमारा रैंक छूट जाता है मैम इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड ऑफकोर्स दी कॉन्सेंट्रेशन लेन देर वन मोर स्टूडेंट इज

Concentrate better and for a longer duration uh, in the uh, lectures. So such feedbacks, when you you know hear it from your uh, children, it's really overwhelming, and you feel really proud about it. All right. Coming on to students, I remember very very distinctly. Uh, I had this student by the name of uh, Ayushi Tiwari. She used to come for a regular class wearing an SIP t shirt. But whenever she would come for a compensation class and her t shirt is not to be found or it's not ironed,

The child was in fourth class as a normal child, but the parent was so uh, you know sincere that he, ye sare levels complete karne He would bring him every Sunday morning nine o'clock, and the child completed his DMC. And he was a demo student also for most of the uh, you know centers who, uh, which are uh, there in Dombivli and Kalyan areas, and uh, believe me. वेरी वेरी रेयरली इट वुड हैपन ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन्स ही वुड नॉट अटेंड द क्लास अदरवाइज ही वॉज ऑल्सो अ नॉर्मल चाइल्ड सो जितने पेरेंट्स मुझे डिस्टेंस के बारे में कंप्लेन करते हैं कि अरे आपका सेंटर दूर है या हम कैसे ट्रैवल करेंगे सो आई हैव लॉट ऑफ पेरेंट्स वू कम फ्राम इवन कलम्बोली मेरोल सीवी डी कम उठे एंड दिस चाइल्ड यूज टू कम फ्राम कल्याण एंड नॉट ओनली वुड ट्रेवल Uh, you know by a st bus they didn't have the facility of a car or a bike the child would travel in an st bus come till cbd and from cbd they would take a rickshaw and come here the parent would wait here only by the time the child would complete his class again go back home so the, that was the sincerity and the honesty of the parent uh, so that is one example like and there was नदर चाइल्ड लाइक हिम ओनली बट ही कम्प्लीटेड हिज जी एम बी इन खारगर सेंटर एंड वेंट टू पुणे हिज मादर गॉड ट्रांसफर टू पुणे और जी एम सी लेवल उसने वहाँ कंटिन्यू किया पहले दो महीने तो बच्चा गया एंड बिल्कुल भी उसको मज़ा नहीं आ रहा था यहाँ पर जब भी वो क्लास के लिए आता था उसकी मम्मी बोलते थे कि फ्रॉम थ्री ओ क्लॉक ऑनवर्ड ओनली वु से मेरा क्लास जाना है मुझे क्लास जाना है मुझे क्लास जाना है बट वहाँ पे फोर ओ क्लाक का क्लास के लिए फोर थर्टी तक बच्चा नहीं जाता था कहता था नहीं आज नहीं जाऊँगा फिर कभी कर लूंगा क्लास तो उसकी मम्मा ने एक दिन उसको यहाँ लेकर आए और उन्होंने कहा कि मैम इसका लास्ट लेवल आप यहीं पर कंप्लीट करवाओ मुझे कुछ पता नहीं है लेकिन आप प्लीज इंश्योर करिए कि इसके सारे लेवल्स हो जाए वो बच्चा अपने ग्रैंडफादर के साथ पुणे से शिवनेरी बस पकड़ के साढ़े ग्यारह की बस पकड़ के यहाँ पे तीन साढ़े तीन बजे पहुंच जाता था और अपनी क्लास खत्म करके फिर से यहाँ सेवन सेवन ओ क्लॉक सेवन थर्टी की बस पकड़ के दोबारा पुणे लौटते थे दस साढ़े दस बजे तक आई स्टिल हैव अ ब्लैंक चेक

and currently he's in punjab doing his engineering very recently i you know again got back to uh, him and he's in touch with him so mm -hmm. the time, uh, parents who facebook but it good on facebook and they have their own accounts and you know they're very active and they uh, be in touch another student which i remember very very uh, clearly is uh, Medha. Uh, though she was Farah uh, ma'am's uh, student, but uh, very proud moment for SIP uh, Khargar is she is in IIT Madras. They are working on a project uh, by the name of Aveshkar Hyperloop, and she has represented uh, India in many of the countries abroad. So that is also one uh, very very uh, you know proud moment for SIP Abhakis Khargar. Uh, going by uh, the teachers, almost all teachers are my favorite and they are uh, the backbone of the institute. I would say the flag bearers of the program because they bear the brunt of the parents, me and the students. So they are the flag bearers of the company. Uh, not only the institute, but overall, if you see SIP Abacus, jitne bhi teachers, they are really... Uh, dedicated. Uh, my first teacher was Bina, Bina Chelani. She used to travel along with me from Mulun, come to Khargar, and then uh, even in uh, Mulun, she used to take a lot of batches. She used to take a lot of home batches, and then she used to take uh, batches even uh, in the playgroup or the nursery where we used to run our program. Uh, we had Shilpa. Patarkine uh, again she was from pune and her husband got transferred here to khargar and uh, she was the one who gave that impetus i would say uh, that ma'am we can do it why not let us practice and you know uh, we can win like you know kar sakte ma'am ho sakta chalo and she would like you know fully charge up uh, and that's how uh, uh, more than my uh, first Champion of Champion trophy, which was in 2013, uh, this was more special—the 2014 one because the whole hall was only echoing "SIB Kharghar, SIB Kharghar," and that's where we won our um, uh, the second uh, Champion of Champion trophy. And with her uh, confidence, we thought that let's go to the nationals also. नेशनल्स में हमने 2012 में पार्टिसिपेट किया था फरा के स्टूडेंट्स थे फरा मैम के एंड uh, हमें uh, गिने चुने दो या तीन अवॉर्ड आए थे और बहुत मायूस होकर लौटे थे बिकॉज इतना प्रैक्टिस करा था दैट कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग है बट दैट गॉट फील्ड वेन शिल्पा वॉज देयर एंड शी कन्विंस्ड किशोर सर ऑल्सो कि नहीं सर हम जाएंगे हम जाएंगे बन पाएगा And we went with uh, 15 students and there we got almost 9 prizes, hai, which was unbelievable. And it happened only because of uh, Shilpa. All other teachers also, they were very, very close. Like uh, Mawa ma'am, Bhagya ma'am, Harsha ma'am, uh, then uh, even uh, Swarna ma'am of the recent lot, who we really, really miss her. Uh, it's only because her husband got transferred to Kolkata that uh, she had to uh, move in there. And whenever you call her, she says she's missing, and uh, you know she's missing all of us over here. Even we are missing. So that is how like convinced her to take at least one online batch. But she has only one student over there who's an international uh, uh, batch student. So she is still in touch with uh, S I P A Bikes Kharghar. Then, of the current lot, almost all of them are really very good. Uh, my another teacher who was uh, very, very um, uh, special, I would say, was uh, uh, Lata Ma'am, who's not only been a, a teacher but she's been a friend too. Though we do not, uh, you know, uh, speak very frequently but uh, she is one person whom I can rely on that one phone call and she'll be there for me so that is uh, like Lata ma'am for me and uh, many many more Bhagya uh, ma'am, Harsha ma'am, uh, Sandhya ma'am Sandhya ma'am I would say was uh, someone who uh, meaning most of my teachers basically are uh, parents first yani unke ये प्रोग्राम किया और बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये यू नो एस आई पी अवैकस की टीचर या कोर्स इंस्ट्रक्टर बनेंगे करके सो संध्या मैम आई रिमेम्बर यू नो शी सेड दैट मैम वाई नॉट आई कैन ऑल्सो डू इट एंड देरली स्पीक इन यू नो कम्युनिकेट इन इंग्लिश शी रियली पॉलिश हर सेल्फ शी टू राइट डाउन हर नोट्स इन तेलुगु एंड शी वॉज लाइक मैम यस लेट्स डू इट करेंगे ना मैम करेंगे ये भी करेंगे मैम एक और बैच एक और बैच एक और बैच इतना करते करते इस तरह से हो गया दैट शी कि मैम टू मोर बैचेस एंड आई एम गोइंग टू बाय माय ओन कार सो दैट वाज वंडरफुल मोमेंट फॉर मी लाइक यहाँ से आ, आ, लोग आ, अपना मंथली जो भी है सैलरी अर्न करके शी वॉज लाइक मैम मुझे कार लेना है ऐसा ओके गो फॉर इट उसको ड्राइविंग सिखाया उसने कार भी लिया एंड दैट प्राउड मोमेंट एंड शी इज़ अ प्लेन हाउस वाइफ लाइक यू नो और जिस तरह से उसका जर्नी रहा पूरा जीएमसी कंप्लीट करके लाइक शी फेल दैट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी वुड गेट इन हर फैमिली विच वॉज अर्ली मिसिंग दैट हैपन्ड ओनली बिकॉज ऑफ एस आई पी नॉट ओनली इट गिव्स यू लाइक यू नो इकनॉमिक इंडिपेंडेंस यू आर फाइनेंशली वेरी गुड इट ऑल्सो यू नो यू गेट टू अर्न रिस्पेक्ट from योर यू नो हर सिस्टर इन लॉज हु वुड ऑलवेज फील दैट what इज़ it? She लाइक जस्ट just लाइक यू नो एक हाउस वाइफ ही तो है लेकिन जहाँ आपका ओपिनियन पूछा जाता है जहाँ पर आपका यू नो आपका क्या राय है और उस चीज़ को पेरेंट्स वैल्यू करते हैं उस चीज़ को Uh, दूसरे आपके फैमिली मेम्बर्स मानते हैं तो वो एक अलग फीलिंग होती है हर एक टीचर के लिए अभी का जो मेरा करंट लॉट है उसमें से आई वुड से सुनीता मैम स्वप्ना मैम अगेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वॉज देयर वेयर सुनीता मैम लाइक यू नो फर्स्ट टाइम मैम खुद की स्कूटी खुद की बाइक ली है इज रियली really, uh, वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हर एज लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ऑफ ग्लोरी टू आर सेंटर थी वो हमें मिली थी टू थाउजेंड थर्टीन में चैम्पियन ऑफ चैम्पियन की ट्रॉफी एंड दिस इज वेरी वेरी स्पेशल बट इससे ज्यादा भी स्पेशल जो था जब हम शिल्पा के साथ थे टू थाउजेंड फोर्टीन में ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था एंड बहुत 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 थैंक्स टू ऑल दो चिल्ड्रन जिन्होंने ये मुमकिन करके दिखाया और इतना बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया था कि क्या बताएं कि पूरा हॉल सिर्फ एक ही बात से गूंज रहा था एस एस आई पी एबैक्स खारगर एंड फिर आया 2016 हज़ार जहाँ पे हमारे 90 पार्टिसिपेंट्स में से 64 पार्टिसिपेंट्स को अवार्ड मिला था एंड उसमें नेशनल अवार्ड्स भी थे साथ में लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉमिस कर दिया था गलती से मैंने बच्चों के साथ कि आप लोग जीतो सो सही फिर देखते हम क्या करेंगे एंड बोले कि क्या करेंगे मैम हम जीत के दिखाएंगे आप बताइए क्या क्या होगा अगर हम जीतते हैं तो मैंने कहा हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ आपके पेरेंट्स आपको नहीं ले जा सकते हैं और आपका स्कूल आपको कभी नहीं ले जा सकता ऐसी कौन सी जगह है इज़ वॉट द चिल्ड्रन सीट मैंने कहा है ऐसी जगह आप छोड़ दो पहले आप फोकस करो कि हमें जीतना है अब ये का कॉम्पटिशन हुआ नवम्बर में हम जीत गए दिसंबर चला गया जनवरी चला गया एंड बच्चे पीछे पड़े मैम आप हमको कब लेकर जा रहे हो और कहाँ लेकर जा रहे हो सो वी डिसाइडेड टू गो टू लोगढ़ फोर्ट एंड

अभिमन्यु जैन एंड अगेन ध्रुव अग्रवाल जिन्होंने इतना ध्यान रखा मेरा कि नहीं मैम हम आपके साथ ही जाएंगे शायद उनके पेरेंट्स ने उनके उनसे कहा होगा कि मैम के साथ ही हमेशा रहना तो वो दोनों मेरे साथ में थे पूरा आ, बस में उन्होंने इतनी मस्ती करी है और जब हम ट्रैक भी पर भी जब जा रहे थे जब हम ऊपर क्लाइंब कर रहे थे और पहुंचने के बाद ऊपर पहुंचने के बाद द व्यू वॉज वंडरफुल द चिल्ड्रन रियली एन्जॉय पूरे रास्ते भर में सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे थे मैम सम्स बोलो ना मैम समझ बोलो ना दे वांटेड टू प्रैक्टिस देयर आल्सो एंड देन वी गोट डाउन और नीचे जो हमने उनको एक विलेज का जो यू uh, नो you know, एक गांव में किस तरह से घर होते हैं किस तरह से वहाँ पे खाना बनता है किस तरह से पत्तल पे खाना खाना होता है और हाथों से खाना जो बच्चों को बिल्कुल आदत नहीं है आजकल के बच्चों को दे ऑलवेज ईट विथ्स मोन और वहाँ उनको अपनी प्लेट उठाकर ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो उनको करने मिली एंड चिल्ड्रन वर रियली यू नो थ्रिल्ड और ऐसे था कि मैम अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ आते तो यहाँ तक कार ले आते वो लोग और बोलते ये देखो लोगर फोर्ट है और बस हम वहीं से लौट आते जब हम लौट कर आ रहे थे तो हमारा जब खारगढ़ नज़दीक आ गया हमें हमारे सेंटर तक पहुँचना था बच्चों को रास्ता समझ में आ गया कि अब तो हम नज़दीक आ रहे हैं ड्राइवर से कहने लगे कि आप तुरंत लौटो वापस लौटो हम वापस जाएंगे मैम आज तक काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो उस uh, ट्रिप को रियली यू नो याद करते हैं इट्स वन ऑफ़ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप्स और उसके बाद हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट मिले कि एक पेरेंट्स के लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करिए एक इसके लिए ऑर्गेनाइज़ करिए एक सिर्फ मदर्स के लिए ऑर्गेनाइज करिए एंड उसके बाद से था, था, वी स्टार्टेड हैविंग यू नो वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग मदर्स डे फादर्स डे इन अ वेरी वेरी यूनिक वे कि ये हो गया कि इस साल जो हमने कॉन्सेप्ट चुना है जो हमने थीम uh, चुनी है उसको नेक्स्ट ईयर नेशनली किया जाता था सो यू नो थैंक्स टू जय सर ही इज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग इट ईयर ऑन ईयर या हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि uh, तुमने इस साल क्या किया तुमने इस साल क्या नया किया क्या या क्या यूनिक किया और ये भी बोलते हैं कि मैं हर एक थीम को रिपीट भी कर सकती हूँ बट जब हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया था उस वक्त ऐसा था कि एक पेरेंट आए थे हमारे पास और कहते हैं कि माई डॉटर इज यू नो इन अ वेरी इलीट स्कूल और uh, उसको बहुत सारे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिच किड्स तो उसका जो हैबिट है जो बिहेवियर है वो सब बहुत अलग होते जा रहा है एक नॉर्मल अपने जो हाउस होल्ड में या मिडिल क्लास हाउस होल्ड जो होते हैं उसमें तो हमने कहा ठीक है तो एक थीम जो थी उसमें हमने बच्चों से इस तरह से करवाया था कि आपने ट्वेल्व कूपन्स बनाने हैं एक बुकलेट फॉर्म में कूपन्स बनाने हैं और वहाँ पे आपने कोई भी एक ऐसा काम चुनना है जो आपके पेरेंट्स वो कूपन्स यूज करेंगे मान लो आई विल बी यू नो फिलिंग अप दॉटर बॉटल्स वाटर द प्लांट्स थ्रू द थ्रैश या फिर डाइनिंग uh, टेबल uh, को ले करना है या कपड़े uh, तय करके अच्छे से रखने हैं सो so, इस तरह से uh, बच्चों ने सभी ने अपने मदर्स को दिया और मदर्स को एक ही था कि ये मंथ में एक कूपन आपने यूज करना है आज तक जो उस वक्त जो बच्चे फर्स्ट लेवल में थे और यू नो ऑफ लेट रिसेंटली ही उन्होंने अपना जीएमसी कंप्लीट किया है हर मदर्स डे पर आर थ्री स्टूडेंट्स एंड कमेंट मी या उनके मदर्स बताते हैं कि मैम हर साल मदर्स डे पे हमें वो कूपन्स मिलते हैं सो रियली फील वेरी वेरी नाइस एंड यू नो प्राउड कि बच्चे आपका मानते हैं और आपका सुनते हैं सिमिलरली फादर्स डे पे वी है डन वन एक्टिविटी वेयर वी कॉल ऑल द चिल्ड्रेन एंड यू नो वी आज दम टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स एंड उस पर नाम नहीं लिखना था उन्होंने वी थाट लेट द फादर्स कम बैक आफ्टर टू आवर्स और उन्हें गेस्ट करना था कि उनके बच्चे ने उनके लिए कौन सा कार्ड बनाया है तो दे हैड टू चूज द फेवरेट कॉलर दे हैड टू चूज एनी लाइन विच ओनली विल गिव अंट टू द फादर कि ये कार्ड उस बच्चे ने बनाया है. सो इट वॉज वेरी थ्रिलिंग जहाँ पेरेंट्स अपने ही बच्चों के काज बनाए हुए नहीं चूज कर पा रहे थे एंड दे वर लाइक ओ गॉड मैम ये कॉन्शियस सिचुएशन में हमने डाल आपने हमको डाल दिया कि हमारे ही बच्चों ने काज बनाया और हमें ही नहीं चूज करना है तो वी वुड गिव दैम ओनली थ्री टर्न्स थ्री चांस कि आप गेस करो और देवर एटी पेरेंट्स एट्टी एट्टी किज हैड कम एंड यू नो दिस इज़ हाउ एंड देर आर वेरियर्स Other activities which we have done, and uh, it has been really appreciated by one and all. The pa the parents, like the father Day and the uh, Mother's Day, I make it a point to celebrate these two days. And even in COVID, we did this. In COVID, it was online, and we went full full capacity, hundred participants, and there were mothers who were like, you know, that we not enter, we enter and very very touching tha, uh, where most of the mothers almost had tears in their eyes because again there was a theme a different theme so every year we come up with a different theme and celebrate these days and even the children's day so these three uh, days i never ever miss in uh, you know the entire year that is the mother's day the father's day and the children's day because that is how uh, one gets connected and that connect and that bond between the parents and the khargar sip uh, teachers and myself like you know so we really uh, put in a lot of thoughts put in lot of efforts to ensure ki this bahut smoothly uh, run ho or uh, parents we use accept kar le. so that is one uh, good thing about uh, sip back as khargar

जहाँ तीन स्टूडेंट्स हमारे शिवालिका रस्तोगी रिया हरी और दीपेश गवली इनको एक मौका मिला राष्ट्रपति भवन में जाने का डी डेट वॉज नॉट फिक्स्ड फाइनलाइज नहीं था तो हमें लास्ट मिनट में पता चला कि हमें जून ट्वेंटी सेवेंथ को वहाँ पे मिलना है राष्ट्रपति ताई पाटिल को और हमें ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ा और बहुत मज़ा आया तीनों बच्चों के साथ में जब हम वहाँ गए मॉर्निंग में uh, हमें टाइम दिया गया था uh, पहले कहा गया था 11 बजे आना है फिर लास्ट मिनट में चेंज कर दिया गया कि हमें 9:30 थर्टी वहाँ पहुँचना है और हम सब वहाँ uh, जब जा रहे थे वी हैड टू पास थ्रू सम सेवन सिक्योरिटी चेक्स एंड पूरे सिक्योरिटी uh, चेक्स वाले हमें सिर्फ जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो करके हो रहा था दैट वाज वेरी वेरी यू नो एक्साइटिंग फॉर द किड्स कि मैम हमें कोई कुछ पूछ भी नहीं रहा है और जब हम वहां पहुंचे जब हम अंदर जाने वाले थे एंड मेरे मेरा uh, सारा जो बैग वगैरह जो भी बच्चों के थे हम क्लॉक में रख ही रहे थे तभी हमारे एरिया हेड ने कहा रुक जाओ रुक जाओ मत आना मत आना नहीं क्यों? बिकॉज़ अंदर हमें कोई भी चीज अलाउड नहीं थी ना हम पेन ले जा सकते थे ना हम मोबाइल लेके जा सकते थे नहीं ना हम कैमरा लेके जा सकते कुछ भी नहीं ले जा सकते थे और वहाँ पता चला कि देर वॉज वन स्टूडेंट हु फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई एंड उसका फ्लाइट डिले हो गया था नहीं वॉज टक इन दी ट्रैफिक दिल्ली ट्रैफिक एज यूश के रहता है तो मुझे वापस जाना पड़ा आ, उस बच्चे को लेकर आने के लिए उस बच्चे के लिए वेट करने के लिए और हुआ यू कि आई हैड टू मिस द चांस ऑफ बींग फोटोग्राफ्ड इन दिस फ्रेम बट इट वॉज बिकॉज ऑफ द चाइल्ड

सो देर आर लॉट ऑफ फर्स्ट टू आर क्रेडिट्स पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पे उस, उस वक्त uh, आपके पास जूम मीट या गूगल मीट्स नहीं होते थे एक लाइव टी वी पे हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था एक uh, uh, टॉक शो में और वहाँ पर uh, बच्चों को डेमो करने का एक मौका मिला था गूगल हैंग आउट्स के जरिए जो बिल्कुल नया था हम लोगों के लिए आ, दूसरी बात तो जो है वो है ब्रांड प्रॉमिस की ये 2011 में एस आई ने रोल आउट किया था जहाँ पे हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके बच्चों को फाइव टाइम्स बेटर कराएंगे उनके जितने भी गाइडलाइंस थे हमने सब फॉलो किए और 2012 में हमारा सबसे पहला बैच जो था वो ब्रांड प्रॉमिस हम लोग फुलफिल कर पाए थे जहाँ सारे पेरेंट्स एकदम मतलब हक्के बक्के रह गए थे कि उनके बच्चों ने पाँच मिनट में शुरुआत के टाइम एक या सम दो या तीन सम या कोई भी सम नहीं करा था और उन बच्चों ने ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी नाइन सम्स किए थे केवेलिना भट्टाचार्य ने एंड उनकी मम्मी का जो रिएक्शंस uh, था जो हम कैप्चर कर पाए हम पहले ऐसे सेंटर थे जिन्होंने इसको वीडियोग्राफ किया था और इतना अच्छा हुआ कि दिनेश सर ने आ, मतलब ये डिसाइड करा कि हम उस बच्ची को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हम उसे लेंगे एंड उसका जो फोटो है हमारे एस के एनुअल जो प्लानर रहता है उसमें उसका आ, फोटोग्राफ और उसके मम्मी का जो रिएक्शन था वो प्रिंट हुआ था सो दैट वाज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी यू नो स्पेशल मोमेंट्स फॉर एस आई पी Like is In addition to that, uh, I my role as a master trainer was also very fulfilling. मतलब मैं टीचर्स को ट्रेन कर सकती हूँ इनिशियली लोगों को लगता था आ, कि ये क्या इतनी छोटी सी एक लड़की है और ये हमें ट्रेन करेगी आ, ये क्या हमें ट्रेन करेगी ऐसा आ, फीलिंग आती थी लेकिन यू नो धीरे 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 पता चला कि नहीं ये भी कुछ कर सकती हैं एंड इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन कि जहाँ मैं टीचर्स को भी ट्रेन कर सकती हूँ उसके अलावा मैंने आ, खुद को भी बहुत स्किल्स मैंने डेवलप करे हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स करे हैं मैं मैंने इन इंडिया देर आर ओनली मे बी थर्टी फाइव फोर्टी ऑफ आर्स हु आर प्रैक्टिसिंग और वो आर सर्टिफाइड ब्रेंजिम इंस्ट्रक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स आई एम वन ऑफ देम एंड दिस इज़ वेरी प्राउड फॉर फॉर मी लाइक और ये मुझे एक लगभग एक ढाई साल लगे ये प्रोग्राम कोर्स को, को कम्प्लीट करने के लिए जो मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स uh, में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ ब्रेनजिम इज अ पार्ट ऑफ इस बैक प्रोग्राम बट उसके अलावा भी जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो एक्सरसाइजेस जरूरी होते हैं वो मैं बच्चों में या पेरेंट्स के थ्रू ये धीरे धीरे जिन बच्चों को जरूरत है उनके लिए इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि खारगर हैज बीन सो यू नो फुल Uh, अब तो इतना है इतना uh, हल्ला गुल्ला यहाँ पर भी होता है हंसल बसल है uh, कब ये हमारी कर्म भूमि बन गई ये हमें रियली really पता नहीं चला और थैंक्स टू ऑल पेरेंट्स, थैंक्स टू ऑल द यू नो चिल्ड्रन फॉर ऑल द लव एंड अफेक्शन विच दे इन फ्यूचर आल्सो इसी तरह से आपका प्यार बना रहे यही uh, आशा करती हूँ एंड ट्रूली रिमेन Yours faithfully, I would say karmically, uh, Seema and uh, the entire SIP Abacus Kargar team. Thank you very, very much and uh, have a great uh, future and have a wonderful Valentine's Day and keep supporting all of us. Thank you very, very much.